पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले निर्देशों के बाद ट्रैफिक पुलिस सोमवार को चालानी कार्यवाही करने मैदान में उतरी। इस दौरान कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। कुशमौदा पुलिस चौकी के पास पुलिस के नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों के चालान बनाए। इस दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने, हेलमेट नहीं पहनने सहित दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने व लाइसेंस सहित अन्य कागज नहीं मिलने पर चालान काटे गए। यातायात DSP उमेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले निर्देशों के बाद ये कार्यवाही की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में दायर पिटीशन और वहां से मिले आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कार्यवाही चल रही है। 7 जुलाई से यह अभियान शुरू हुआ है, लेकिन जिले में 7-8 जुलाई को VIP मूवमेंट के चलते 9 जुलाई से ये कार्यवाही शुरू हुई है। 2 दिन से ये कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान करीब 70 चालान काटे गए। इनमें 48 हेलमेट नहीं पहनने पर और 14 सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान काटे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश और SP के मार्गदर्शन में 2 महीने यह अभियान चलाया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें और वाहन संबंधी कागजात मांगने जाने पर दिखाए भी सही। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जरूरी कार्यवाही की जाएगी। जी सर, बताएं चालानी कार्रवाई की गई है आज? जो शहर में चालानी कार्रवाई की गई है, वो हाईकोर्ट जबलपुर में एक रिट पिटीशन लगाई गई है, जिसमें कि यातायात नियमों का 100% पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के पालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस जिलों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई करें और जागरूकता, यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाएं। इसी संदर्भ में हेलमेट एवं सीट बेल्ट न लगाने वालों के विरुद्ध पिछले 2 दिनों में चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 48 चालान बिना हेलमेट के बनाए गए हैं और करीब 15 चालान बिना सीट बेल्ट पहने व्यक्तियों के बनाए गए हैं। और ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार 2 माह तक की जाएगी। सर, लगभग अभी तक कितने चालान बन चुके हैं? अभी कुल 2 दिन की कार्रवाई है। पिछले 2 दिनों में 7-8 तारीख को अपना गुना जिले में VIP ड्यूटियां थी, तो 9 तारीख और 10 तारीख 2 दिन के चालान, करीब 70 चालान आज बिना हेलमेट और उसके बिना सीट बेल्ट के किए गए हैं।